आप लोग जानते हैं इतनी महत्वपूर्ण चुनाव में आपके नेता हमारे पिता को इस चुनाव से दूर रखा गया है, साजिश के तहत जेल में बंद किया गया है। जेल में वो क्यों बंद है आप लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोग पिछड़े परिवार से आते हैं, गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, भाईचारे की लड़ाई लड़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ते हैं। और लालू जी ने आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे, सामंतवादियों के आगे घुटना नहीं टेका है, हमेशा लड़ाई लड़ी है। लालू जी ने आप लोगों को बोली देने का काम किया, समाज में भागीदारी देने का काम किया, मान सम्मान देने का काम किया, आपको आपका अधिकार दिलाने का काम किया। छात्र राजनीति से लेकर के आज हमारे पिता पर बाल पक गया है, अस्पताल में बीमार है, आपकी लड़ाई लड़ी जिंदगी भर, आज उन पे साजिशों का अंबार लगाया गया है। उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से बोलना चाहते हैं कि 10 दिन पहले हम रांची गए थे। हम रांची गए, सोचे कि हम अभी कोनो डेली नहीं ना जाते हैं, 1.5 महीने बाद हम गए थे, पूरे नियम कायदा से गए थे। पिता बीमार है अस्पताल में, वहां रांची में भर्ती, सोचे अपने बीमार पिता से मिलेंगे, उनकी सेहत की जानकारी लेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। हम वहां गुहार लगाते रह गए, 10 मिनट लगातार खड़े रहे। बाद में अधिकारी आता है, हम बोलते रहे कि हमको मिलवा दीजिए, केवल 5 मिनट मिलवा दीजिए, 10 मिनट मिलवा दीजिए, लेकिन एक बेटे को एक बीमार पिता से मिलने नहीं दिया गया। हम जनता की अदालत में आए और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है, न्याय होता है, और वो न्याय और फैसला आप लोगों को करना है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक बीमार पिता से एक बेटे को मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। हाथ उठा के बोले, मिलने देना चाहिए कि नहीं मिलने देना, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। चलो इस दर्द को हम लोग दबा देंगे, सह लेंगे, लेकिन हम सोचे अगर हम अपने पिता से नहीं मिल पाए तो कम से कम जो डॉक्टर जो उस अस्पताल में इलाज कर रहा है, कम से कम उससे तो फोन पे बात कर लेंगे तो संतुष्टि हो जाएगा, ताकि लालू जी के सेहत में कुछ सुधार है कि नहीं है। वहां कोनो मेरा घर का डॉक्टर नहीं इलाज कर रहा, वो जेल प्रशासन का जो भाजपा के प्रशासन का जो डॉक्टर है, वो बेचारा डॉक्टर साहब कह रहा कि लालू जी के लिए 1 हफ्ते से हम लोग प्रशासन को बोल रहे हैं कि 1 कमरे से दूसरे कमरे ले जाने दीजिए, ताकि मशीन वगैरह है, टेस्ट हो जाए, लेकिन वहां का प्रशासन जो है इजाजत नहीं देता लालू जी को कि वो अपना इलाज भी करा सके, 1 कमरे से दूसरे कमरे भी जा सके। तीसरी बात, हर शनिवार को हफ्ते में 3 दिन का दिन होता है, 3 व्यक्ति को मिलने दिया जाता है। हफ्ते में 1 दिन होता है शनिवार का दिन जो लालू जी को 3 लोगों से भेंट करने दिया जाता है, हफ्ता में यानी केवल 3 लोग। ये भजपैया साहब और पलटू चाचा, ये लोग मिलकर के चुनाव देख रहा है कि ये लोग हार रहा है, बाप बाप कर रहा है, तो हमारे पिता को तबाह कर रहा है, तंग कर रहा है, और लालू जी से मिलने की अनुमति अब किसी को नहीं है। हम लोग नहीं जानते, हमारे पिता से कोई संपर्क नहीं, परिवार का भी नहीं है, ना किसी को मिलने दे रहा है, ना किसी को बात करने दे रहा है। आप बताइए देश में 1 कानून चलेगा कि नहीं चलेगा? लालू जी के खिलाफ लगातार इस तरह का साजिश क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सांप्रदायिक शक्तियों को हमेशा उन्होंने चुनौती दिया है और धूल चटाने का काम किया है। जो सामंतवादी लोग हैं, ये भजपैया वाला सब जानता था कि अगर लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और आरक्षण को छू सके। इधर आ जाओ। तो
बीजेपी वाला सुनो भैया, भाजपा वाला साहब, अब मोदी जी अगर डरता है तो एक ही व्यक्ति से डरता है, वो लालू जी से डरता है। अरे ये लोग बड़े कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, चमचई करने का काम किया है इनका। देश की आजादी में आरएसएस और भाजपा का कोई कुर्बानी नहीं रहा, आप जान लीजिए। यहाँ कोई अगर भाजपाइया होगा कगड़ो कगड़ो कोने कोने में रिपोर्टिंग के लिए, एक आध को होबे करता है। अगर कोई भाजपाइया है तो सबसे पहले कान साफ कर लो और कान खोल लो और सुनो कि अगर सोचते हो कि लालू जी को जेल में बंद करके अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे तो ये गलत फहमी मत पालना। लालू जी को भले ही तुम लोगों ने साजिश के तहत जेल में बंद कर रखा है, लेकिन लालू जी का बेटा यहीं खड़ा है। हल्का सा भी अगर हमारे आरक्षण और संविधान और गंगा जमुना तहजीब पर, भाईचारे पे अगर बुरी नजर अगर तुम डालोगे तो अंजाम बुरा होगा, ये समझ लो। अगर फिर भी नहीं मानते हो तो आज हम माँ का दूध पियो तो फरिया लेते हैं। तो देखिए, लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका था, बिहार में शांति अमन चैन को कायम किया था, भाईचारे को बचाया था। बिहार से अगर कोई रोक सकता है तो लालू जी और महागठबंधन भाजपा को, मोदी जी को रोक सकते हैं, और कोई दूसरा तीसरा नहीं रोक सकता। हम बस इतना आप लोगों के बीच कहने हैं कि बटना मत, आप अगर बटोगे तो हमारा भाईचारे खतरे में रहे, आप अगर बटोगे तो हमारा संविधान खतरे में, हमारा आरक्षण खतरे में होगा, हमारा देश खतरे में होगा। इसलिए आप सब लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। हम लोग 400 सीट पे बीजेपी को पानी पिलाए हुए, यहाँ एक पार्टी जो है कंफ्यूजन पैदा कर रही है, सीपीआई पार्टी। सुनिए, हमारी लड़ाई नहीं, हमको नहीं लड़ना उससे, लेकिन गिरिराज सिंह जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, देख लो, एक लौता लालू जी हैं जो भाजपा को और आरएसएस को हमेशा धकियाते रहे हैं, दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। लालू जी हैं जो सांप्रदायिक शक्तियों को हमेशा मुंहतोड़ जवाब देते रहे, सामंतियों को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। और एक बात समझ लो, बीजेपी के लोग भी सबसे ज्यादा परेशान गलत तरीके से, मानसिक हो या शारीरिक हो, वो लालू जी को ही कर रहे हैं टॉर्चर, और किसी को नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को किससे खतरा है। सबसे ज्यादा लालू जी ने सहा है, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल में बैठे बैठे भी लड़ रहे हैं। अगर हम लोगों को सहूलियत की राजनीति करनी होती तो हम नहीं अपने विचार से सौदा करके बीजेपी में चले गए होते और आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, केस मुकदमा खत्म करा लेते। क्योंकि बीजेपी में चले जाओगे तो पाप धुल ना जाता है, राजा हरिश्चंद्र ना हो जाओगे, अब भाजपा से लड़ोगे तो भ्रष्टाचारी हो जाओगे, जेल चले जाओगे। तो देखिए, कौन ऐसा नेता है जो जेल गया? मिश्रा जी बेल पे है ना, और लालू जी को जो घोटाले का उजागर कराया, जो सीबीआई इंक्वायरी कराया, खुद जांच बैठाया, मुद्दई को मुद्दाले बना दिया। ये है बीजेपी की सरकार। तो सबसे ज्यादा परेशान लालू जी को कर रहा है कि नहीं कर रहा बीजेपी वाला? क्यों कर रहा है? क्योंकि खतरा है, क्योंकि लालू जी बाहर रहेंगे तो इनका आरएसएस का एजेंडा जो है नहीं चलने वाला, नागपुरिया कानून। और देखो, सीपीआई जो पार्टी है, एक जिले की एक जाति की पार्टी रहेगी। पहले सीपीआई में जो इसे पूर्व सांसद जो थे, जिनका निधन हो गया, भोला बाबू,
वो पहले सीपीआई में थे कि नहीं थे, फिर भाजपा में गए कि नहीं गए? कोई ठीक है कि अभी वाला भी भाजपा में बाद में चला गया तो सावधान रहिएगा। और सीपीआई पार्टी जो है आरक्षण विरोधी पार्टी है। हम पूछते हैं कि गरीब को आरक्षण दिलाएगा? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर समर्थन कर रहा तो बोलो। तो देख लीजिए, एक एक वोट आपका तनवीर हसन साहब जी को जाना चाहिए। और हम लोग जब भाईचारे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो एगो बाहरी आया है गिरिराज सिंह। वो कहता है कि हम लोग को पाकिस्तान भेज देगा। अरे गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हम लोग को पाकिस्तान भेज देगा? इस बाहर से आया हुआ है किराएदार, अब बात कर रहा है, सोचता है कि इनके बाप दादा का जागीर है बेगूसराय। अरे बाहरियों को भगाइए। और ये लोग तो हम क्या कहें, कुछ कहना नहीं है। भाजपाया वाला अब एक बार कान खोल करके सुन ले ये सब। अगर थोड़ा सा भी और हमारे गंगा जमुनी तहजीब को अगर बिगाड़ने का कोशिश करेगा या गरीब का आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग आप लोगों के बीच आए। देखिए आज पिता मेरे साथ नहीं है, आज जो भी कुछ है आप ही लोग हैं, मेरा आप ही हमारे घर के लोग हैं, आप ही हमारे भाई हैं, आप ही हमारे अभिभावक हैं, आप ही हमारा गार्जियन है। और इस संकट की घड़ी में सब लोग, जितने लोग हैं पूरे परिवार के लोगों को एकजुट होना होगा। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे वरना पलटू चाचा के बारे में तो बहुत कुछ बोलना, लेकिन समय नहीं है। मोदी जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, मोदी जी एक बात समझ लो, अगर आप अपने आप को चौकीदार कहते हो तो देश और बिहार और बेगूसराय की जनता थानेदार है, थानेदार। आपने जो गलती की थी चौकीदारी में, याद कीजिए, नोटबंदी, पूरा देश का पैसा बैंक में जमा हो गया। अब बैंक में जमा होने के बाद मोदी जी का बिरादरी का लोग, मोदी जी का बिरादरी का लोग, चौकीदार के बिरादरी का लोग, नीरव मोदी, ललित मोदिया, सब पैसा लेके विदेश भाग गया, ही भगा दिए। कैसा चौकीदार? पिछला चुनाव में चाय वाला, आज तक हम फोटो नहीं देखे चाय बेचते। 5 साल की उम्र का मोदी जी का फोटो है, स्टूडियो में फोटो खिंचाते हुए, बताओ ना बचपन का। उस जमाने में कोई गरीब का बच्चा स्टूडियो में फोटो खिंचवा सकता था? मेरे पिता को तो पूछेगा कि जन्मतिथि क्या, तो बोलेंगे हमको याद नहीं, जो माँ को याद आया वो कह दी। हम मोदी जी स्टूडियो में बैठ के फोटो खिंचवा रहे, वो फोटो मिलेगा आपको? अमेरिका में जवानी में घूमते हुए मोदी जी का फोटो मिलेगा, आरएसएस का हाफ पैंट पहनते हुए फोटो मिलेगा, लेकिन रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए फोटो नहीं मिलेगा। अरे मोदी जी की पूरी राजनीति दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर है। तो इनके झांसे में मत रहना, किसानों को आय दुगुना करने चले थे, किया कर्ज माफी किया, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देना चाहते थे,
नहीं देना चाहते थे, ठग लिए सब नौजवान को। 15-15 लाख रुपया हर एक के खाता में। स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन, फलना चीज, बिहार का स्पेशल राज का दर्जा, बिहार का स्पेशल पैकेज, कुछ मिला? गाली दे देते हमारे पट्टू चाचा के डीएनए खराब है, अब मैच हो गया। हमारे पट्टू चाचा कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा में चल ना गए, मिल ना गए, अब मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी है आप लोग। तो हमारे पास समय नहीं है, आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठा के बोलिए, साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम आपके घर के हैं। और देखिए, ये बाहरियों को भगाइए यहाँ से। सुनो, ये सब मुद्दे की बात करना, मुद्दे की, मोदी की नहीं, मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात। मोदी की मुद्दे की बात क्या है? 15-15 लाख रुपए खाते में आए कि नहीं आए? रोजगार जवानों को मिला कि नहीं मिला? किसानों का आय दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? शिक्षा में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला कि नहीं मिला? ये है मुद्दे की बात। जब मुद्दे की बात करोगे तो बीजेपी एक एक को कम हुआ करेगा, हिंदू मुसलमान दंगा करेगा। अरे कोई काम नहीं। एक चुटकुला चलाओ ना कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में थे, राम जी को हिचकी आता तो सीता मैया पूछती प्रभु काहे हिचकी आया? तो राम जी जवाब देते हैं, लगता है चुनाव पास में है बीजेपी आते। तो इन बेईमानों से बच के रहिएगा और लालू जी को न्याय दिलाइएगा ना। न्याय कैसे मिलेगा? तनवीर साहब को एक एक वोट लालटेन पे बटन दाबिएगा ईवीएम पे, तब लालू जी को न्याय मिलेगा। तो मेरे साथ नारा लगाइएगा, सब लोग हाथ उठा के नारा लगाओगे, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलेगा देश बचाओ, दोनों हाथ उठा करके। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, बटना नहीं है। कोई नया नया लोग आएगा जिसने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी है, जिस पार्टी ने, जिस व्यक्ति ने, उसका साथ दीजिए। नए वाले का कोई ठिकाना नहीं है भैया। जीत के जाने के बाद इतिहास है सीपीआई का, भोला जी भी जीते बीजेपी में चले गए। एक जाति की पार्टी है, एक जिले की पार्टी है सीपीआई, उसले ध्यान दीजिएगा। उसले हम कहते हैं बीजेपी भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। देखो नौजवान भाई, जितने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित भाई, महादलित भाई हैं, आपका आरक्षण बढ़ेगा तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अति पिछड़ों को भी 40% हम लोग देने का काम करेंगे आरक्षण। उसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसलिए मेरे साथ नारा लगाना, मोदी जी अगर दोबारा आ जाएंगे तो सरकारी नौकरी खत्म करके प्राइवेट के हाथ में दे देंगे, लिख लो। तो मेरे साथ नारा लगाना, हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, आप बोलना आरक्षण बढ़ाओ, मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ, रोजगार के लिए। आरक्षण रहेगा तभी रोजगार रहेगा। तो हम बोले बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। एक पलटू चाचा के लिए बोलिएगा मजबूती के साथ। हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ, तो आप बोला बिहार बचाओ, ठीक ना? पलटू चाचा भगाओ, दोनों हाथ उठा करके। अरे वहां पेड़ में छांव में खड़े मोदी जी रोजगार दे दिए हैं क्या? तो हाथवा काहे नहीं उठा रहे भाई? पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। तो आप लोगों की अनुमति हो तो तनवीर साहब को विजय का माला पहना दें। नो इफ नो बट, ओनली तनवीर साहब लालटेन छांव। Yeah, I hear you.
लो। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद।